सही बोला यार, तुझे क्या लगा उसके बारे में? देख, आप भी वेरी स्ट्रेट यार। उसे मैंने क्लियरली एक मैसेज पहले भी बोला, उसके साथ मैंने उसको बताया, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जानवी आई एम नॉट फीलिंग दैट कनेक्शन विद यू। यू डोंट फील इट, यू डोंट फील इट। क्या बोल रहा है? डोंट फील इट। मैंने कभी जबरदस्ती करी है उसको भी? कोई बोल नहीं रहा, ये बोल रहे हैं कि आराम से बात कर। से आराम से कैसे बात कर? आराम से बात कर। इसी डम्बर व्हाट? आराम से बात कर रहा हूँ मैं। सामने से बात कर। मैं तेरे से बहुत आराम से बात करूँ। मेरी टोन दोनों की तरफ सेम है। टोन ऊपर गई अभी तक। He's saying I am feeling bad. Did I make the right thing? मैंने कहा yes you are feeling bad. That's right. तो बहुत polite है and I think you did the right thing. I'm not polite, Vyomesh. अभी मैं ये तो बोल रहा हूँ कि अच्छा छोड़ ना, जो हो गया सो हो गया, उसकी बात तो सुनना। Just like I'm not feeling that connection. Did I ever force you? मैं कभी भी force करती हूँ। मैं आपके साथ बात करने की बड़ी बार कोशिश भी की, मैंने आपके कल सुबह भी की, शाम को भी की कि I'm not feeling that connection. And you said कि नहीं एक बार और बीच करते हैं, तो I tried but नहीं। एक बार और भी करते, मैंने बोला I dropped it. You said things about attachment, possessiveness, liberty, space, how attachment really attachment मेरे trust in अरे I said I don't have trust. Listen to me. If I said if I have trust in the relationship, अगर हम भरोसा करते हैं, वो liberty has to be there. मैंने कब liberty नहीं दी है? मुझे नहीं लगा ऐसे। I'm the least territorial person here. I didn't feel that. That's what I said. तो मेरे को नहीं problem है उस बात से। उन्होंने ये कहा कि मैं attach हो रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैं possessive हो रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि उन्हें liberty नहीं मिल रही है, तो उसके कारण मुझे बहुत बुरा लगा। Ask anybody, have I ever said that I am romantically interested in you in any way? कितना बुरा है यार ये। अच्छा अच्छी बात थोड़ी ना है। I mean, I know how it feels to be at her side. But that is okay. I could totally understand what she was going through. मुझसे ज़्यादा उस समय कोई भी नहीं समझ सकता था, क्योंकि मेरे साथ भी सेम ही चीज़ें हो रही थी। एक सेकंड, अभी क्या करना है? I don't know if he wants to switch. अभी भी I'll say go ahead. Do you want to switch with someone else? But now. Do you want to try with someone? Yeah. अगर Yes. हाँ. Okay. Okay. Suddenly, उनके mind में ये आ रहा था कि maybe he wants to connect with Sapna. हमारी काफी argument हुई और हमने ये decide किया कि मेरा और सामर्थ्या का जो connection है, it's not working out and we're going to switch to other people. पता लगा कि सपना को एक लड़का चूज करना है, तो मैंने कहा ध्रुव अब थोड़ा सा और ट्राई करना पड़ेगा। अब तो भाई मेरे को लग रहा है कि पावर भी मिलेगी और बढ़िया मामला रहेगा। What do you think? कि किसको choose करना वाले हैं? Like Kevin pitched for you and Sam. मेरे ख्याल से जो होगा कि when you pick a guy, you get to challenge a couple from Goldwell. मेरे जितना मेरे को लग रहा है। Okay. To dethrone them, उनको Goldwell तो silver में फेंको, तुम उनकी जगह लो। तो मुझे ऐसे को लग रहा है कि तुम निखिल का भी से सोच के बैठा है कि वहाँ पे जहाँ निखिल और पलक लिखा है, वहाँ ध्रुव और सपना लिखा होगा तो अच्छा लगेगा ना। बातें बढ़िया कर लेते हो तो। उसने एक हिंट दे दिया कि कहीं ना कहीं मेरे सबसे ज्यादा चांसेस थे, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई मेरा ही होगा मामला सेट, तू जित्तो से बात कर ले। और आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। नए लड़के से बात की नहीं करनी मुझे उसके साथ। मैंने उसको करा, मैंने उसको जाके पिंच करा। ऑब्वियसली ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ कॉल्स में कि तू परफॉर्म नहीं कर पाती है बिल्कुल भी। मैंने मेरी तो बात ही नहीं हुई है उससे, लिटरली बात ही नहीं हुई है। I don't want to भूमिका से बात है, भूमिका से। I don't want to do this shit. I want to just leave, bro. No, bro, I can't. She had a meltdown. She was very upset. और बोल बार-बार बोले जा रही थी कि उसको शो क्विट करना है। I don't want to do that shit time and again, ना bro. I don't. नहीं बोल सकते कि वो परफॉर्म नहीं करती। तुम सब बोलते हो कि वो परफॉर्म नहीं करती। किसने नहीं बोला? You all of you guys saying that I have more experience than every single one of you. Yeah, वो ऐसी ही नहीं टिकी थी ऐसे स्पेस में। Don't. No, it's just every people they come and tell me मजाक में भी कि oh like this, you're so girly. Just do ऐसी just because personal choice है। Just because मेरी personal choice है what I am and how my personality is, bro. जानवी समर्थ्या के टास्क में क्या करा उसने? शूज पहन के इतना गंदा करा उसने वो टास्क। कभी उसने बोला नहीं उसको कुछ, कल बोल दिया उस पर। अभी उनका भी कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। चैलेंज परफॉर्म कर ले उसके साथ एंड देन शो की तू कर सकती है। मेरे दिमाग में बस ये आया था कि अभी जानवी और समर्थ्या का ठीक नहीं चल रहा है। समर्थ्या लुक्स लाइक ही इज स्मार्ट एंड ही लुक्स क्यूट और निकी इज ऑल्सो लाइक द क्यूटेस्ट गर्ल। तो मुझे लगा वो दोनों अगर पेयर हो जाएंगे तो यू नो बहुत अच्छा हो सकता है। Location was on point, like so many hearts everywhere. इतने बड़े-बड़े दो दिल बने पड़े हैं। यहाँ पे हमें स्लाइड सी दिख रही है, यहाँ पे नीचे दिल फैले हैं। तो हमने कहा आज का चैलेंज कुछ मजेदार होने वाला है। आज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज में सपना आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप आज जीत गई, जिसके साथ भी आप टीम अप करके आएंगी, आपको और उस लड़के को मौका मिलेगा टू गो इनटू द गोल्ड विला। जो भी लड़का आपके साथ सिलेक्ट होगा उसकी तो चांदी नहीं है, सोना है। For the boys in the silver villa, किसी को पिच करना है। किसी ने किया था पिच? Oh yeah, yeah, everyone pitched. सबने किया? नहीं, almost. शिवम ने भी किया? नहीं सर। क्यों? सर कतार बहुत लंबी है। पर तुम तो क्या? सर जूतों का What? मेरे अपना गला दिखाओ। वो भी नहीं, अभी टास्क है ना। पर दे दिया इसने वापस। दे देगा। जहाँ प्यार होता है वहाँ इकरार तो होता ही है, टकरार तो होता ही है। तो में जो भी हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि आई कांट फाइट विथ हिम, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। मतलब मैं कभी नहीं लड़ सकती। तो बहुत सी चीजें मुझे रियलाइज हुई एंड मैंने सोचा कि एक बार मैं इनसे बात करूँ, इनसे बात करूँ एंड देन या बैक। You're back. You're happy? Yes, I'm happy. For now. No, like आगे भी. Forever. ज़िंदगी भर. Forever means tomorrow. ज़िंदगी भर. थोड़ी सी मस्ती जबरदस्ती. मुझे ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि रिया को मैंने जो दिल दिया, वो उन्होंने संभाल लिया. सपना, क्या हुआ और कौन है ये तुम्हारे सपनों का शहजादा? I'll go with Dhruv. नितू कली ने गोरी पागल करते सारे जदों तू नचती। आप जाके सपना के साथ खड़े हो जाइए। सूरज चंदा और ध्रुव की वो बेबी इतनी बड़ी स्माइल थी जैसे कि उसने स्पिट्सविला जीत ही लिया हो बस। ओके, आज के चैलेंज में सपना आपको किसी एक लड़की को चैलेंज करना है फ्रॉम द सिल्वर विला। Can I pitch? हाँ जी जरूर। मैंने अभी तक एक बार भी परफॉर्म नहीं करा है and people in the villa are pretty sexist. Yeah. According to my appearance and my personality, they think I can't perform. So I'd be really grateful if you choose me today. Sir, villa में काफी sexist comment हुए हैं निकी को लेके. Sir, which is wrong. जो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है. निकी likes pink, but it doesn't mean she's weak. कौन है ये? She was crying all the time. कौन है ये? Nikki. It's a lot of people. I can't wait. No, it's just कि बहुत लोग कुछ बहुत ज़्यादा बोलते मेरे बारे में मजाक में भी, even if it is people who are my friends that I can't perform and stuff just on the basis of my appearance or the fact that I dress up better than 90% of these people. Yeah, exactly. This is a place where people will attack you. They will attack you because they want you to be weak so that you can't perform well. Life may ask Sunny the kind of career that we are in or some of you want to go into. लोग सिर्फ नेगेटिव चीजें बोलते हैं यहाँ पर। तो वो आपको नेगेटिव बोलकर beyond negative. यहाँ पे तो आपको दबाना चाहते हैं और अगर आप दब गए they are winning, right Nikki? Okay, time to decide. I'm gonna challenge Samruddhi. समृद्धि। या थैंक्स रूप। मेरे को एक भी चांस नहीं लेना कि मैं उस गरीब विला में दोबारा से सो। तो मैं बहुत क्लियर थी इस चीज के अंदर कि मुझे उस इंसान को चूज करना है जिसका मुझे पता है कि उससे कुछ नहीं होने वाला। इस चैलेंज में आप दोनों कपल्स को एक एक कपल की जरूरत पड़ेगी मदद के लिए। सपना फ्रॉम द गोल्ड विला, यू गाइस फ्रॉम द सिल्वर विला। जिस कपल को आप अपनी हेल्प के लिए सिलेक्ट करोगे, अगर आप जीत गए तो उस कपल को भी मौका मिलेगा टू गो इन फ्रंट ऑफ द ऑरेकल। सर, वी वुड लाइक टू चूज भूमिका एंड गैरी। उसने भूमिका का नाम लिया एंड आई वाज freaking upset and I was like, she is my best friend, why would she not pick me? Choose her and then come and tell me that I'm your best friend. I knew it. So then can I change? Yeah. Who is it? Nikita and Sam. Nikita and Sam? Yeah. Thank you. I wanted to perform very well in this challenge and prove it to everybody that I am a good performer and I am more than my pink clothes that would not suit you guys. Sapna and Dhruv, आपकी मदद कौन करेगा? It's gonna be Kevin and Kat. All right. Kev Kat. दो रोडी, एक चैलेंज साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 99.9% सारे कीटाणुओं का साफ हम कर सकते हैं। Splits Villains, आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज का नाम है दिल बदलू, brought to you by Buddy Sanitary Pads। Alright, दिल बदलू। आपके बिहेवियर को देखने के बाद हम ये चैलेंज आपके सामने लाया, बिकॉज काफी दिल बदलू हो चुका है यहाँ पे। बहुत सिंपल है, दोनों टीम्स में एक एक लड़की पहले रैंप के ऊपर खड़ी होंगी। ऊपर एक मटका है, मटके में से एक धार ऑयल के नीचे गिर रही है। जितना ज्यादा ऑयल आप लगाएंगे उतना आपके लिए अगले स्टेज में फायदा होगा। When you come down this ramp, you're going to move around and collect जितने hearts आप collect कर सकते हैं, but you can't use your hands. But one boy at this stage can also help you. उनके हाथों में कुछ hearts होंगे and they'll be blowing hearts on you. Yeah. अब दिल बदलू, यहाँ पर वो मौका है कि जो दूसरी लड़की हैं वो आएंगी आपके पास, लेकिन आने के उनके रास्ते में एक छोटा सा ब्रिज है। उस छोटे से ब्रिज को जब वो क्रॉस कर रही होंगी, सारे नॉन परफॉर्मिंग स्प्लिट्स विलन्स आपके ऊपर उस दौरान पानी फेंक सकते हैं। You have to overcome the challenge and cross a bridge. ये सेकंड लड़की जब अपनी टीममेट के पास पहुंचेगी, उनको उनके हार्ट्स अपने बॉडी पे ट्रांसफर करने हैं। लेकिन वो भी हाथ के साथ नहीं। Without the hand. Yeah, so you can rub shoulders, your legs. जब आप इस ब्रिज पे होंगे, आपको कम से कम 4 बार बोलना है। मैं हूँ परी, मैं हूँ परी, मैं हूँ परी, मैं हूँ परी, मैं हूँ परी। 4 बार। थर्ड स्टेज पे वो मिलेंगे एक लड़के को। अब इन हार्ट्स को ना नीचे गिराने के लिए, you have to do some movement. Guys have to do this dance and the girls have to mirror those steps. No, shake your arm, shake your arm. और वो mirror करेंगी और उससे वो हार्ट्स नीचे गिरना शुरू होंगे। फिर वो लड़के उन हार्ट्स को लेंगे और वो आगे जो पॉइजन्ड हार्ट है ना, ब्लू रंग का, तो आपको एक एक करके लाल दिल उस बड़े नीले दिल पे लगाना है। जिस भी टीम ने पहले वो पूरा दिल का रंग लाल कर दिया, वो टीम जीत जाएगी, वो 2 कपल्स जीत जाएंगे। गर्ल्स रेडी? यस। Boys ready? Yes, sir. 3, 2, 1, go! Come on, good. Come on, girls. Chal, Kat. Nikki, come on. I'm intoxicated. Then Nikki sensitized pretty man की खिदमत में मैं बेबी डॉल्स जो है हमारे शो की बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं, पर अगर ये बात हमारी रिया मैडम सुन लेती तो शायद हमारा मर्डर हो जाता। क्या हो जाता? मर्डर हो जाता। फुल पावर। पहले से सब तक तुझको प्यार करूं मैं पूरी नाइट, तू मैं तू एंड हमारा शिवम बेचारा फिर से निकी के प्यार के जाल में फंसने वाला था। मुझे ऐसा जेन्युइनली लग रहा था कि अभी ये फिर से रिया को छोड़ के निकी के पास ना चला जाए। मेरी जान, मेरी प्यार। She was just showering with that oil and then she was just shining like a star. देखो ऊपर से गिर। Good Nikki, come on. Yes Sam. समृद्धि एकदम फोकस स्टार्ट करती है, एकदम ऑयल उल लगाया ऐसे करके मला मुला। मैं हूँ परी। सपना भी स्टार्ट करती है और सपना रोड ही उसको पता है उसका पहला चैलेंज है तो उसको जीतना ही जीतना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये उसके लिए। ऐसे मारना है गाइस, क्या करो तुम, मार क्यों नहीं रहे हो? आ कैट आ सावन में लग गई आग दिल मेरा। वो बेबी डॉल जो है हमारे शो की दिल के अंदर ऐसे नहा रही होती है जैसे कि मानो समंदर में जल परी एक मरमेड आ चुकी हो। रोल सुने ना दूंगी सारी हाय, सुने ना दूंगी सारी रात के दिल मेरा। ये चैलेंज अच्छा है। निकिता दासोबो वो पुरानी मूवी में होता है ना, वो नागिन जैसे रोल हो रही होती है, वो बहुत फनी था। वो बस लोट पोट हो रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे चिपकाए, वो इतना घूम रही थी। फूंक मार के जो लगे थे वो भी उतार दिया उसने। Dhruv, Bobby, remember Bobby, don't get too close, okay? जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है। Trevon was blowing hearts on Nikki और मैं थोड़ा सा jealous feel कर रही थी कि I am supposed to be the one जिसको तुम flying kisses दो, not Nikki, you all are brother sister. Like she was giving a nice competition to Kat. I was really impressed. I was getting more inclined towards her. वो एक romantic angle वो strong होते हुए मुझे दिख रहा था। निकी जाके आ जल्दी। सपना come slow. Slow. आराम से। सपना come slow. Slowly. सपना आराम से। Slowly. हवा चल रही है आराम से। Slowly. Good. Come on. Do like this. Like this. Do a jump. Like this. Shake it on. Like this. Back. Chill. Let's go. Ding. We started dancing. We started moving our chest, back, every style of dancing you can imagine. Do shake it on. बड़ो कुत्तों की तरह नाचने लग गए। करो दिल गिरा रहे हैं, छाती से भी दिल गिरा रहे हैं, टांगों पे भी दिल गिरा रहे हैं और कूद रहे हैं। माता आ गई क्या? भाई झाड़ फूक करवाओ, कुछ करवाओ। चलो बम्बोले मैं हूं परी। एक साथ मारो सब। जब जब समृद्धि ब्रिज क्रॉस करती थी मुश्किल से एक बाल्टी पानी की कोई इस पर डालता था, पर जब मैं क्रॉस करती थी तो सब रेडी होते थे कि अच्छा बेटा अब आ जाओ। अच्छा लगाइयो केव। भाई ध्रुव को जीतने नहीं देना है। शिवम मुझे टारगेट कर रहा था क्योंकि मैंने ध्रुव को चूज किया जो उसका सबसे बड़ा राइवलरी है, बट उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं थे कि अगर मैं एक बार जीत गई तो उनके साथ क्या होगा। चल केविन लगा, केव लगा, लगा केव। यूज योर ब्रेन। केविन ने अपने हार्ट्स को बहुत ही तरीके से कलेक्ट किया था, उसके हार्ट्स एक भी फोल्डेड नहीं थे एंड केविन ने सारे के सारे अपने बड़े हार्ट्स का यूज करना शुरू किया। वहीं पे सामर्थ्य थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि ही वाज परफॉर्मिंग अगेंस्ट दी बेस्ट केविन, ही वाज अंडर प्रेशर। पकड़ लिया। I was feeling like a celeb क्योंकि सब लोग बस मेरे लिए चौर कर रहे थे। Even the Gawar gang was like hooting for me. Everyone, I feel like everyone, even my own friends, wanted us to lose. Very nice. All I could hear was Samarthya, Nikita, Samruddhi. Sam, fatafat, fast. Sam. And I was just like, this motivates me even more to perform this challenge and win. Kevin, बाहर गिरा उठा लियो, बाहर गिरा उठा लियो। No, 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 खुद। बाहर गिरा उठा लियो, शाबाश, शाबाश के। Like do do do, बाहर गिरा उठा लियो फटाफट। Challenge में wasn't how many hearts you can collect. It was how you can make a perfect heart and cover all the empty spots. मैं हूँ परी। My fire was stronger than their water. इतनी बार ट्राई किया मेरे पे पानी फेंकने का, बट मैंने ऐसे डॉच कर दिया। Go. Just give me big one. सपना अच्छे से लगाइयो। Come on सपना, get ready. मेरे ऊपर 3 से 4 बाल्टी पानी एक साथ गिरता था। मेरे उसमें एक ही स्ट्रैटेजी थी कि मैं फटाफट से भाग के जाऊंगी, मैं ऊपर जितनी जल्दी बोलूंगी उतना बेनिफिट में रहूंगी। आजा सपना। Come, fast. Be calm. मेरे को इतनी जोर से हिट हुआ सर के पास, कान के पास, कि मैं बहुत जोर से जाके गिरी। तो उसने डिसाइड किया कि इस बार वो सपना की जम के लेगा, पर वो स्लिप होके गिर भी गई और मुझे बहुत मजा आया वहाँ पे। It was fun. मुझे नहीं पता उस वक्त मैं कौन से जुनून में थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने शिवम है चाहे शिवम का बाप है, आई डोंट केयर, हम सबको देखेंगे। स्टिक करना बैक, नाइस वन। समझो गो स्लोली, स्टिक करना बैक। बहुत बढ़िया। मुझे लोगों ने इतना सुना दिया दैट लाइक यू कांट परफॉर्म, सो मैं ये चाहती थी कि मैं कैट से भी ज्यादा हार्ट्स कलेक्ट करके भिजवा दूं टू समर्थ्या सो दैट ही कुड स्टिक इट ऑन द ब्लू हार्ट। ऑन बॉय। जब सारा ऑयल मेरे ऊपर गिर रहा था आई लिटरली फेल्ट लाइक द क्वीन ऑफ हार्ट्स। निकी फास्टर, गेट द ऑयल इन योर लेग। बेबी यू माय टॉप। Yeah, I felt like Nikki really proved herself that day, और after that I felt like यार ये भी compete कर सकती है। This is looking very close. Both the hearts are getting red. चल Kevin, चल बहुत बढ़िया, चल लड़के, चल बहुत सही। सपना it was just so difficult for her balance करने के लिए, literally वो ऐसे पीछे होकर वो slowly चल रही है कि गिरे ना। I was very proud of her. She deserves to be in a golden villa. Kev! Shh, wait. It's done. I don't want it. Kevin, but we. Ah, look at this, bro. I'm almost done. Kevin, son. Kevin, I have. मैं बहुत डर चुकी थी कि केविन सुन नहीं रहा है, वो दिल ले नहीं रहा है, और मेरे ऊपर इतने सारे हाथ ऑलरेडी चिपके हुए थे, तो I was Just hoping कि हमें और end में कमी ना रह जाए. No, I'm not. But I want to win as much as you do. So chill. Everyone was yelling at me, but I had my mind straight in the task and I had to cover the spots. Couldn't waste time and I just couldn't risk going back and collecting more hearts. Very nice. Come on, Kevin. Come on, Sam. Kevin ने अपने hearts को बहुत ही ज़्यादा organized तरीके में चिपकाया हुआ है. वहीं पे सामर्थ्य ने अपने hearts को बहुत ही mismanaged तरीके से चिपकाया हुआ, but सामर्थ्य के number of hearts were way more than number of hearts जो Kevin ने use किए थे. सामर्थ्य फैला के लगा, सामर्थ्य फैला के लगा उसको. 15 सेकेंड. लगा दे जल्दी. जैसे ही टाइम अप हुआ और दो दिल जिनमें जहर भरा हुआ था वो लाल हो चुके थे, वो धड़कना चालू हो चुके थे. क्या अब ये देखना था कि किसके कनेक्शन का दिल ज्यादा धड़क रहा था. आफ्टर अ लॉट ऑफ डिलिबरेशन we have finally found the winner for this challenge. Yes. और दिल बदलू जीती है टीम. पागलों की तरह हक किया. ये दुनिया ये वुमनिया. लड़की ने कल भी जीत गई, आज भी जीत गई. लड़की खेल गई देहरादूनी पैर. हम लोगों ने उन लोगों से डबल हार्ट्स कलेक्ट कर लिए थे, बट जस्ट बिकॉज प्लेसमेंट सही नहीं था, सैम की वजह से हम लोग एक जीती हुई गेम हार गए. इसका मतलब यह है कि आप, सपना और ध्रुव जा रहे हैं गोल्ड मेला में. Yes! Let's go! और सेफ भी हैं. 8 लोग गोल्डन विला में थे, जिनमें से 7 लोग हमारी टीम के थे और हम बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि वी मेड इट. निकी, द अमाउंट ऑफ हार्ट्स दैट यू टू कलेक्टेड वो मोर. Yes. तो अगर सिर्फ उस बात की परफॉर्मेंस करे कि लड़कियों में आपका परफॉर्मेंस कैसा, द टू ऑफ यू डिड अमेजिंग. नोबडी कैन पॉइंट अ फिंगर नाउ एंड सेइंग कि निकी ने परफॉर्म नहीं किया, बिकॉज द नंबर ऑफ हार्ट्स आर अ लॉट. Congratulations to the champions for overcoming this heavy task. Thank you. ये था आपका golden opportunity. दिल बदलू brought to you by Buddy sanitary pads. All right, girls, well done. You guys have won gift hampers from Pari. Come and get them. Enjoy. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. आप लोग जाइए वापस स्प्लिट्सविला, and we will see you guys tonight in your next dome session. Bye guys. Bye Sunny. बहुत खुशी-खुशी हम विला जा रहे थे और ध्रुव इतना एक्साइटेड था गोल्डन विला में जाने के लिए. उसके एक्साइटमेंट देख के मैं ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी. यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे होएगा सपना ध्रुव. #ध्रुव नाउ. जब मैं गोल्डन विला आया तो डेनवर डिओड्रेंट की तरफ से मेरे पास एक कॉन्ग्रेचुलेशन स्क्रॉल आया. आपकी लव जर्नी को और सक्सेसफुल बनाने के लिए डेनवर की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिलता है. एंजॉय योर टाइम इन गोल्डन विला एंड एंजॉय द सेंट ऑफ योर सक्सेस. क्या बात है. साथ साथ एक गिफ्ट हैम्पर आया जिससे मैं काफी खुश हो गया. I am a little worried about today's dome session though. ये लोग वो हैं जो अपने कंपटीशन को पहले कंपटीशन इसलिए मुझे टेंशन है। डेफिनेटली अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा टीम वीक होता है। सो दैट इज द रीजन आई वाज लाइक वेरी नर्वस एंड वेरी स्कैर्ड। हम लोग डंपिंग जोन में थे, तलवार हमारे गले पर लटक रही थी हमारी माइनॉरिटी साइड पर। कहीं ना कहीं मैं श्योर थी कि हम आइडल मैच हो सकते हैं, तो हम सब रेडी होने लगे। Philips Thermo Flower hair dryer is so good that I would say blow away the blues with professional drying. Hi, Splitsvillans, welcome to MTV Splitsvilla 13, co-powered by Philips Hair Care, Manforce, Denver deodorants and on premium innerwear. और ये आपका अगला डोम सेशन। ये जो गोल्डवेल है सनी, फाइनली थोड़ा भरा भरा लग रहा है। Yeah. Looks nice. रामविजय, मुझे ये सेटिंग अच्छा नहीं लग रहा है। So I think अगर आपके पास एक connection है, then you should stand next to that connection. Now I have a problem with this setting. Why? I have a problem with this setting कि ये सब इतने अच्छे लग रहे couples एक साथ खड़े हुए, वो दोनों कैसी लग रही हैं अभी? आप दोनों उधर थोड़ा उधर खड़े हो। आज स्प्लिट्सविला से कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, बल्कि एक कपल डंप होगा। उफ, एक इनविजिबल तलवार लटक चुकी थी सबके गले के ऊपर। मैं पूरे अच्छे से श्योर थी कि मैं आज घर जाने वाली हूँ, क्योंकि कैट की और मेरी बहुत गंदी दुश्मनी, झगड़ा चल रहा था। व्योमेश वहाँ पे अकेला बैठा। गोल्डन विला में ज्यादा देर अकेलापन हमें अच्छा नहीं लगता। No. हम चाहते हैं कि आप भी एक कनेक्शन चूज करिए और उनको अपने पास गोल्डविला में बुला लीजिए। पर अगर आपको इनमें से कनेक्शन नहीं चाहिए तो आप फिर सिल्वरविला में चले जाइए। Your only two choices are those two girls. Can I go? You want to go to the Silvervilla? Oh, good, what a brave guy, yaar. Maza aa gaya, yaar. Kamal. Finally. I'm going for Arushi. Jao, Vyomesh. Finally. आरुषि, आप खुश हैं? आप तो she can't even control her laughter. सर, सबसे बड़ा सच है कि I am finally with him, which I always wanted to be. और पलक, sit down. You need to sit because. Especially when somebody is safe, they should be sitting. Sorry, अपने असूल। बच गए। सर, मैं कुछ बोलना चाहूँगा आज। Please. और मैं सुनना। Thank you, sir. तो सर कल निखिल सर आए थे वहाँ पे हमारे विला में, तो उन वाइल्ड कार्ड लाए थे वो लोग। उसके बाद लड़ाई लड़ाई हो गई है वो। फिर हमें पता लगा टास्क टूस होना है, सब होना है वो, और फिर से हम खड़े हो गए लाइन में रात को। उसके बाद सर शिवम और मेरी झक हुई, झगड़ा झगड़ा। वो कुछ बोल रहा था, मैंने भी कुछ बोल दिया और गाली गलोच हो गई, पहले उन्होंने शुरू किया। तो मुझे वो बहुत बुरा लगा सर। मुझे भी बुरा लगा था सर। आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी है भाई, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आपसे बात हो रही है भाई। मैं भाई चुप रहने भाई, भाई चुप रहने भाई, भाई चुप 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 भाई, केविन ए भाई चुप। पीस ऑफ शिट। यहाँ पे एक लाइन होता है, यू डोंट क्रॉस। नहीं सर, तुमने मुंह पे बोल दिया है। पहले सर उन्होंने शुरुआत की थी। ब्रो तू पागल है क्या? इसको लग रहा है कि सर ट्रेवॉन वीक टारगेट है ना, ये बाहर ये अभी 4-5 दिन से तो बोल नहीं रहा था। आज इन्होंने ये टॉपिक उठाया ताकि भाई ट्रेवॉन तू बोल। बोलने से पहले ना सोच। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। गाली किसने दी थी पहले? तो गाली तूने दी थी। गाली पहले क्या बोला था मैंने? तूने क्या दिया था? बोला था। सब देते हैं गाली, अकेला मैं ही हूँ क्या? एक हाथ होती है भाई। यू आर डम, आर यू डम? यू आर डम ब्रो, आर यू स्टूपिड? यू आर स्टूपिड मैन, आर यू स्टूपिड ब्रो? 28 years old. Yeah, you're elder than everybody over here, bro. कहाँ से आते बीच में? Trevon, are you shitting me right now? Yeah, bro, you are hiding your age. Are you fuck? I'm hiding my age. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. I'm hiding my age. Dude, show me your card right now, you dumb. You are, bro. Don't talk in English, you. Okay, okay, no, don't. Yeah, that's okay. That's cool with you. Dumb. कोई बात नहीं सर, अगर खिलाफ है तो होने दो. जान थोड़ी है, ये सब धुआं है. कोई आसमान थोड़ी है। फेक बनता है ये। लगेगी आग। एकदम सर। लगेगी आग, आएंगे घर कहीं जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। रुकना सबको बोलना। मुझे मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं मेरे, मगर यहाँ पे मुझे मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं मेरे, मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मेरे मुँह से जो निकले मेरे बच्चों, वही सदाकत है। मेरे मुँह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। बोलो। दिख गया था लास्ट टाइम। चैलेंज में दिख गया था। बोखता भाई। तुझे बोखता, तुझे काटता, टास्क में कैसे काट रहे आया था मुझे? हाँ भाई मैं काटता, मैं काटता, कैसे काटने को आया था? कैसे करके दिखाइए एक बार, एक बार करके दिखा, एक बार करके दिखा। देख देख, अब देख मेरे पे लग रहा तू, देख ये। होने लगेगा करने। करना, दोबारा कर, करके दिखा, करना। क्या हो गया? हमारे ड्रामा क्वीन। कल भी क्या किया था? मुँह पे पान फूंक के बात कर। सर सब तो उधर, सब तो उधर। मैं सिर्फ उसके सामने गए और ये माइनस डॉक्टर 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 बोला मैंने, क्योंकि सर उसको पता है वो खुद नहीं कर सकते। अच्छा तू ना सको, ये काम से आओ। 1 2 3 4 5 6 6 के लाभ लेना। एक बोलने देना, तू बोलना, तू बोलता नहीं भौंक। तू ना सको, क्या फर्क पड़ता मुझे? फर्क पड़ता मुझे? बोल शब्द शब्द ब्रो से कोई काम से समृद्धि शौक ना बोल रहा है उसको कि मैंने शुरू से मुझे रिया पसंद नहीं थी। ओके लिसन लिसन मी, लिसन मी। तो ये बात मैंने उसको बता रखी है, पर्सनल चीजें बोल रहा है, मैंने उसको बता रखी है। ट्रेवॉन आई नो एवरीथिंग। बस हो गया हमारे बीच की बात है ना। सो यू हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड यू स्टिल विद द सेम गाय। Okay, you don't teach me how to self-respect. It's my decision. If I have to stay with you, I will stay with you. Okay, you're fine with having no self-respect. Are you fine with that? Just shut up. I know what self-respect is. Next obsession में उसको चीप तू लूजर है यार। क्या चल रहा है यार? रिया, रिया, एक सेकंड सुन ना। अच्छा मिस बना रही है, अच्छा मिस बना रही है तू, अच्छा मिस बना रही है तू। मेरे को पता है मेरे को अपनी इमेज कैसे बनानी है। You don't teach me. The last obsession cheap, you're a loser, you're fake. अब what? अरे बट बहुत इंटरफेयर बिटवीन अस, वो हमारी लड़ाई है। शट अप, स्टैंड फॉर योरसेल्फ। पट्टू मेजॉरिटी के सब खुद को कोई स्टैंड नहीं ले सकता। यू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आर यू टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ? आई एम टेकिंग अ स्टैंड बाय डूइंग दिस, बाय डूइंग दिस। उसका स्टैंड बस वही है एक्चुअली। ओके, आज के गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज में सपना और ध्रुव और कैट और केविन जीत गए। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक कपल को मौका मिलेगा कि ऑरेकल के सामने जाएं। अगर तो हो गए बल्ले बल्ले, तो जिस कपल का नाम इन्होंने लिखा है वो डंप हो जाएंगे, और अगर नहीं बने तो क्या होगा? आज कैट और केविन, सपना और ध्रुव पहले एक एक क्यू कार्ड पर उस कपल का नाम लिखेंगे जिनको वो डंप करना चाहते हैं। किसी को केविन और कैट को कुछ बोलना है या ध्रुव या सपना कुछ बोलना है। अदिति लास्ट चांस से बोलने का। Pitch my phone. Boom. Oh, don't do that. Can we have the cue cards, please? आप वो couple का नाम लिखो that you want to send to the oracle. We don't want you to tell us what your decision is, क्योंकि उससे पहले एक और बहुत important चीज़ है. गोल्डविला में दो और couples हैं. Vyomesh and Arushi, Nikhil and Avantika. आप दोनों couples सिल्वर विला से एक एक couple को बचा सकते हैं. कौन लग रहा तुम दोनों में से? I'm not gonna agree with you. You guys can pitch one by one. हम लोग ज़्यादा target पे हैं यार. निखिल, निखिल जय को बचा. Jai ko bachao. Oh, you baat kar. Why are you abusing? I will. No, don't abuse. Sir, एक चीज है. निखिल को मुझे और शिवम को बोलने की गरज नहीं है. Because हमारे इसमें हमारे ग्रुप में 1, 2, 3 ऐसा रैंक किसी का नहीं है. अगर मैं गया तो मेरा काम शिवम करके जाएंगे. अगर आज शिवम गया तो डेफिनेटली उनका काम मैं करके जाऊंगा. It's all upon him. हमने उसको यही बताया है कि तू तेरा डिसीजन ले कौन हम दोनों में से एक को बचाना है. That's all. Thank you. और वो तो एक ही का ही नाम. उसको कुछ नहीं बोला तुमने व्योमेश को? उस दिन व्योमेश आए थे. झगड़ा होने के उसी शाम मैं और शिवम भाई थे. मैंने सिर्फ व्योमेश को पूछा कि तेरा और केविन का क्या हुआ, जस्ट कैजुअली. उन्होंने बताया अरे क्या है ना, तुम दोनों के बाद केविन को लगता है कि उसके साथ झगड़ने को कोई नहीं है ये विला में, तो इसके लिए मैं उसका टारगेट हूँ. यू नो, तो मतलब ये कभी ऐसा ये साइड होता है, कभी ये साइड होता है. सो आई डोंट थिंक सो दैट आई कैन कनेक्ट विद सच अ पर्सन. बहुत बड़ा दोगला आदमी है. गेम खेल रहा है अच्छी. ना ना भाई, गेम खेल रहा है अच्छी. खेल रहा है. अरे बोला मेरे झूठे. शर्म नहीं आती तेरे को? मेरे मुंह पे बोला. एक झूठ पहले बोला था जब इसने मुंह मार करी थी कि मैंने इसको बुलाया. एक आज ये दूसरा गेम खेल रहा है. मैं तुझे ये नहीं बता रहा हूँ कि हमको बचा. मैं सिर्फ रियलिटी बोल रहा हूँ. जाने से पहले ये सच बहुत ही अच्छी. सबको समझना चाहिए. बहुत ही अच्छी नहीं है तो बोलना. जब से आए यहाँ पे इधर बातें. दमे तो बोल. सबको पता है कितना फेंक है यहाँ पे. बोल दमे तो बोल. बहुत बड़ा दोगला आदमी ब्रो तू. एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट कर इस चीज को अपनी. सबको पता है कौन है. मैंने बोली कि नहीं इसकी. सर ये घबरा चुका है. छोड़ो ना, इसको पता है अगला टारगेट केविन का यही है. अरे मैं गोल्डविला में बैठा हूँ यहाँ पे. तुम पे ये शब्द है यहाँ पे कोई लड़ने वाला नहीं है तुम दोनों से. इसके लिए उसको लगता है कि फिर मैं ही एक नेक्स्ट कॉम्पिटिशन हूँ. सो आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम टारगेट. दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू किक मी आउट. तेरा कोई चांस नहीं है यहाँ पे. अरे वो मुझे पिच कर रहे हैं ना. तेरे को प्रॉब्लम क्या है? वो मेरे दोस्त है, मेरे को बोलेंगे. Okay guys, Vyomesh, Arushi, Avantika and Nikhil. इन सब couples में से जिनको आप बचाना चाहते हो, जो आज डंप ना हो, उनके नाम लिख लो. अब ये सोचो, तुम्हारे लिए बड़ा सिंपल हो गया है. दो दोस्त हैं, दोनों को बचाने का भी तरीका है. पहले तुम ये सोचो कि इन लोगों ने किसको चूज किया होगा. फिर वो सोचो कि उन लोगों ने किसका नाम लिखा होगा. ताकि एक नाम लिखने से दोनों बचे. Coming to a common conclusion. Sir, I have written the name. I think he has. Sir, I already told her my priorities are straight, Pallak. Then my friends are there. Then and she gave me the word that she will support me. So abhi चाहिए वो चीज़. I talked about Pallak. Sir, I will save my friends no matter what. मेरे दो दोस्त हैं, इन दोनों में से किसी एक को सेव करो. मैं मान रही हूँ, तो एक के लिए जब मैं सेव करने के लिए बोल रही हूँ, तो एटलीस्ट इतना तो सुनना चाहिए ना. सर, I know कि कौन घर जा सकता है या कौन ज़्यादा डेंजर में है, किस पे थ्रेट ज़्यादा है, so I'll take the decision accordingly ना. Let him do this, please. देखो तुम मेरी इतनी भी. It's already done. Don't worry. नहीं, I don't agree to whatever. Yeah, you don't. मैं नहीं. If you don't agree with me, you can go and go to the Silver Villa. You don't have the choice to send me there. I had a choice to bring you here. मैंने तेरे को पहले कहा था आसमा को बचा. बोला था निखिल. आसमा को बचा. अगर एक couple का जो Gold Villa में couple है, उनका एक साथ decision नहीं आ रहा, तो we can just send them to Silver Villa because they don't deserve to be there. That's a good idea. Then you will be happy and you will be happy. Both of you. Let's go. Are you serious, guys? Please, Nikhil. No. Hey, Nikhil. अरे ये मेरे से agree नहीं कर रही, मैं इससे agree नहीं कर रहा हूँ. So, Avantika, please don't do this. हाथ जोड़ूँ, पैर पड़ूँ, बता, मैं वो भी कर दूँगी. Avantika, एक दोस्त ने ये नहीं बोला कि वहीं पर हो. तुम्हारे एक दोस्त ने नहीं बोला ये. तुम्हारे फ्रेंड्स हैं. exactly. ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तो बाकियों का मत सोचो, अपना सोचो. ये लोग आगे निकल जाएंगे, उनके साथ खड़े लोग, ये लोग भी निकल जाएंगे. तुम्हें अगर निकलना है तो वही है तुम्हारे साथ फिलहाल. So we have a decision. We have a decision. Yeah. As a couple. Lovely. Yes. Thank you. So should we find out who's going to the Oracle? Choose. Riya. Dhruv and Sapna. Gary. Sir, मैंने Kevin और Kat का नाम लिखा है. Cat win. Pallak. Dhruv and Sapna. शिवम. सर, ध्रुवन सपना. क्यों? सर, बहुत प्यार उमड़ रहा था आज चैलेंज में, तो मैं देखने चाहता हूँ प्यार सच्चा या झूठा. मंगलसूत्र नहीं पहनाऊंगा. सच्चा भी हुआ तो जब बोलेगा मुंह से कूड़ा ही बोलियो. शक्ल अच्छी नहीं बातें तो अच्छी कर लिया. ओके, थैंक यू. के तेरे में तो कुछ भी नहीं है, दिख रहा है वो ना. क्या बैल बुद्धि है तू? हाँ ना. हाँ, तू वहाँ पे बैठा है, बड़बड़ कर. आएगा भी नहीं, बड़बड़ कर. आएगा भी नहीं, कभी भी नहीं. तेरे जैसा ना 20 लोगों को काम पे रखता हूँ. चल निकाल. तू नीचे बैठा कर, नीचे चौकड़ी मार के. निकाल इडियट. 3-2. सैम. सर, केविन एंड कैट. निकिता. Obviously कैट एंड केविन. सपना एंड ध्रुव. Kat and Kevin. Dhruv and Sapna. Catty Kev. Catwin. Bhoomika. Catwin. Congratulations, Kevin and Kat. Well done. Not yet. Best luck, Kat and Kevin. Oracle के पास चलने लगे, my heart was racing. I was like, I think I've never been so nervous in my life. I was holding Kat's hand, सच बोलो तो बहुत 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 क्या हम एक आइडल मैच है। ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार कैट और केविन आप दोनों एक आइडियल मैच हो। Thank you so much, Steve. Congratulations. Yeah, I couldn't believe. थोड़ी देर के लिए I was like, मेरा brain चल ही नहीं रहा था. I didn't even like. I think जब Kevin ने मेरा हाथ पकड़ा and he hugged me, then I realized कि okay, we are an idol match. And now Splitsvilla 13 has its first ideal match, and I already feel like the king, and she's my queen. Splits villains, Kat and Kevin are our very first ideal match for Splitsvilla 13. Congratulations. Kat and Kevin, please show us who you want to dump. Jay and Aditi. Aditi and Jay. Ideal match ने आपको dump कर दिया है. Right now you're dumped. तो वहाँ पे आगे खड़े थे. Pallak, you can come and stand with everybody who's safe. So let's see who Vyomesh and Arushi has saved. किसने बचाया? मैम मैंने सेव किया है भूमिका और देवाशीष को. सर बेसिकली अभी विला में क्या हो रहा है कि ऑन स्क्रीन सबके सामने मेरी और केविन की लड़ाई हुई. तो अब हो ये रहा है कि जब सबको पता है कि इस ग्रुप में केविन की लड़ाई मेरे से है तो एवरीबडी इज़ यूटिलाइजिंग दैट चांस कि इनके ग्रुप में और लड़ाई करवा देते हैं. कोई नहीं यूटिलाइज नहीं कर रहा है. खुद आ रहा है भीख मांगने. खुद आया वही भीख मांगने. सर आज ये पहली बार बात होती है. एक सेकंड जो इसने बोली है जय ने यहाँ पे कि उसने आके बताया नहीं तो हमें इसकी बात इधर जाके बताते तक नहीं है कि ये क्या. अगर मुझे बताना होता मैं उसी दिन बताता केविन को. एक चीज बताता हूँ आज हम पूल में थे सर. मैंने इसको पूछा क्या हो गया तो उनके साथ क्यों नहीं जा रहा. वो नए नए गोल्डन विला में आए हैं. तेरा अच्छा दोस्त है वो. ये भी वहीं पे है. लाइमलाइट में हूँ बहुत दिनों से. मेरे को इसमें नहीं रहना. मेरे को अभी अपना मैं आई प्ले लोकी. मैं जो भी लाइमलाइट में आ रहा है वो टारगेट हो रहा है. सो अभी मैं टारगेट पहले मैं केविन से खराब हुआ. सो आई डोंट वांट टू बी अ टारगेट. यहाँ से भी इसका नाम है और यहाँ से भी इसका नाम है. यू वांट टू प्ले सेफ नाउ. अभी तक उछल रहा था बट अभी सेफ खेलेगा. मेरे पास ये लोग आ रहे हैं बार बार जस्ट बिकॉज की दे थे. तू हमारे पास आ रहा था यार. ये हमारे पास आया हम इसके पास गए. ये रोज आता है उल्टा बोलता है. हर बार झूठ बोल दिया यार. अरे आदमी नहीं है. कल ध्रुव तेरी लड़ाई हुई. तेरे को लगता है मैं इनके पास आया था. तेरे को लगा तेरे को आके बोलने की जरूरत. सब लड़ रहे थे. फायदा उठाओ. कोई नहीं फायदा उठा रहा. चल बैठ जा. छोड़ दिया तेरे को मैंने. अबे जनानी नहीं है हम लोग तुम्हारी तरह. मुद्दे से ना भाग रहा है. तेरा क्या? अब तक तो गुड बॉय बन रहा था. मैं शो पे गाली नहीं दूंगा, मैं शो पे ये नहीं करूंगा। मार ना, हाथ लगा, चैलेंज आएगी ना हमारी, लगा हाथ लगा। चैलेंज अपने टीम वालों को लेता है और बोल रहा है चैलेंज में देख लूंगा। अबे देख तो लिया इसको, अबे चल ना, बकवास मत कर बे। चल वो भी तेरा डिसीजन नहीं था, इसका डिसीजन था, तेरा नहीं था। हाँ रिया का डिसीजन था ना, ले तो ली मैंने, तेरा नहीं था ना, ले तो ली, घसीट घसीट के मार दिया ना शिवम को, और क्या चाहिए। I swear on my mom, I swear on my dad. एक बार नहीं बोला है मैंने इसको कि केविन का टारगेट हुआ है। हमें कैसे पता केविन का टारगेट ही होगा? तो सिंपल सी बात बता। Do I ever talk to you about the game? Do I ever talk to you about the game? Ever? निखिल ये अब्बी की बात है। अरे ये अब्बी मेरे को बोला है। अरे अब्बी हम आ रहे थे ना, अब्बी हम आ रहे थे ना तभी बोला है ये। एक शब्द भी नहीं। 5 बार पकड़ लिया इसको सामने सामने झूठ बोलते हैं। आया बड़ा यहाँ पे पावर लिफ्टर। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ ना, अभी बाहर जा रहा हूँ ना, तो चलेगा मुझे। बट रियलिटी, ये रियलिटी शो है ना, और इसकी रियलिटी आ गई सामने। क्या दोस्ती है? It's actually these two are getting upset because Jay is leaving because he's been dumped. But we still have. बाकी यार एक पत्ता तो खोलने दो हमारा। Ready? Yes. Nikhil and Avantika, आपने कौन से कपल को बचाया है? अपने क्यू कार्ड पे किसका नाम लिखा है वो दिखा दीजिए। हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। जय और अदिति कभी गाली देता नहीं मैं, बता दूंगा आपको। हमने क्या दोगला इंसान हो, हम फालतू पालते नहीं, डरते नहीं, बाप से नहीं। केविन तेरे लिए नहीं है, तुम्हारे चारों के लिए नहीं है, पर इसके लिए आज तक टीवी पे कभी गाली नहीं दी। देखना एक को देख चुका हूँ, दो बचे, दोनों को लेके जाऊंगा। पहली फुर्सत में निकाल चल। एक को बचाकर आप दोनों को बचा लिया आपने। ये वाज अमेजिंग how you actually knew कि उनने किसका नाम लिखा, because हमें यहाँ से लग रहा था कि शिवम और रिया का नाम आएगा। I mean ऐसा लग रहा था, but you read it right. पहली बार ऐसा हुआ है कि आइडियल मैच बने हैं, लेकिन कोई डंप नहीं हुआ। यार ये मुझे बार-बार बोल रही थी, that's what उसी बात पे हम लोग लड़ रहे थे, कहती शिवम और रिया का नाम लिख। But I knew कि कौन टारगेट है या कौन जा सकता है, और उन्होंने किसके सपोर्ट में वोट किया होगा। लिखने से पहले मैं बताता हूँ, केविन ना रिवर्स साइकोलॉजी में चलता है। नाम लिखने से पहले मुझे ना ऐसी इंटेंस लुक दे रहा है, खली बली वाली, मतलब मेरे को बीच में चीर देगा। और ये ना जो ये करता है वो करता, जो दिखाता है वो करता नहीं है। मैंने कहा भाई तू जय का लिख, ये मुझे उसने जबरदस्त लुक दी है। ऐसे मैंने को पता था ये उसी का ही नाम लिखने वाला है। घूम रो। वाओ अदिति एंड जय, आज आपको निखिल और अवंतिका ने बचा लिया। Congratulations, आप बच गए। थैंक यू अवंतिका। How do you feel? Great, सर मैंने बोला था नहीं जाऊंगा यहाँ से। हम 3 यारों में से एक को निकालने की जो इनकी साजिश थी, वो जो प्लान था, उस प्लान के टुकड़े टुकड़े करके तो हमने कुत्तों को खिला दिए थे। समझे मेरे बच्चों? ये 3 की यारी बहुत ही ज़्यादा हवे पे उड़ रही थी और हमें उनका पर काटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जय अदिति बच गई because of Nikhil's smart move, but you guys are not gonna last for long. I promise you this.